सितंबर 12 में गया है, ट्रेनिंग में गया। कहाँ पहली पोस्टिंग उनकी कहाँ थी? जामनगर। उसके बाद फिर श्रीनगर में गया। आज कैसे क्या जानकारी मिली आपको? सीओ साहब उनके जो हैं श्रीनगर से आया था फोन जी, जब 2 बजे क्या बोले? उन्होंने बताया कि विमान क्रैश हुआ है, 6 लोग क्रैश हुए। कश्मीर के बड़गाम में आज इंडियन आर्मी का MI-17 क्रैश हो गया। इस क्रैश में कानपुर का एक लाल शहीद हो गया, जिसका नाम दीपक पांडे। हम इस वक्त उसके घर पे मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कॉर्पोरल पद पे तैनात हैं इंडियन आर्मी के अंदर दीपक पांडे। घर का एकमात्र चिराग था जो आज बुझ गया। 5 साल पहले इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था। ये वो दीपक पांडे का घर है। जैसे ही आज दोपहर में सीओ का फोन आया, वहां से बताया गया कि दीपक पांडे शहीद हो गया है। घर में मातम का माहौल है। आप देख सकते हैं कि हर आंख नम है और घर में स्थिति लोगों के अंदर काफी ज्यादा पाकिस्तान को लेकर गुस्सा भी है, आंखें नम है। परिवारजन को ढांढस बनाने के लिए हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर, DMSSP सब लोग आए थे, लेकिन जैसे ही शहीद दीपक पांडे की यहाँ पर सूचना पहुंची, सूचना पहुंचने के बाद पूरे इलाके में मातम है। आप देख सकते हैं कि लोगों का लगातार तांता लगा हुआ है, बदस्तूर लोगों की आवाजाही हो रही है। मैं आपको बताऊं कि उनके फादर का एकमात्र चिराग था घर में, उसी से घर रोशन होता था। आज उसके बुझने से पूरे इलाके में मातम है। मैं रजीव दीक्षित, ETV भारत, कानपुर।